जब हम किसी को किसी पराये में परखते हैं, लिहाजा हम दौलत का जो मयार है वो पैसा रखते हैं। हम ये नहीं देखते कि असल दौलत तो इल्म की हो सकती है, अकदार की हो सकती है, आपके आपके अमाल की हो सकती है, यू नो देयर सो मेनी अदर वेरिएंट्स, लेकिन हम उसको बिल्कुल माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसको बैंक बैलेंस से रिलेट करते हैं, वर्ल्डली पोजेशन से करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। सर मुझे याद पड़ता है, मैं आपको एक लेक्चर में मैं गया हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, आपको पता है आई गो अराउंड, लोग बुला लेते हैं। तो मैंने अपनी टॉक उस दिन शुरू की और मैंने कहा कि मुझमें और बिल गेट्स में कोई फर्क नहीं। अब वो खामोश, यूजली क्राउड बहुत खामोश होकर मुझे सुनता है, तो मुझे खुसर पुसर की आवाजें आने लगी और मैं समझ गया, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये किया था और मैं चाहता था ये रिएक्शन आए, तो पीपल गॉट कंफ्यूज। और मैंने कहा कि उसके पास, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो मैंने ये समझाया कि उसके पास जितना भी पैसा है और मेरे पास जितना भी कम है, उसके पास जितना भी ज्यादा है, एक तो यह तय पाया कि अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें पैसे की तंगी से और फरावानी से आजमाऊंगा। तो मैंने उसको ये बच्चों को समझाया जो स्टूडेंट्स थे यहाँ, मैंने कहा ना वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में लेके वो कैश घूमता है ना मैं बहुत ज्यादा, और मेरा इतना कम ना मैं, लिहाजा फिर पैसा पार्क कहाँ हुआ है यहाँ पे, स्टेट ऑफ माइंड। फिर आगे चल के मैंने उनको समझाया कि मुझमें और उसमें फर्क इसलिए नहीं है कि एक वक्त में बिल गेट्स भी जो है दो टाइज नहीं पहनता, एक ही पहनता होगा, राइट। खाना मुझसे चारने वाले ज्यादा या आठ कम खाता होगा, 5,000 गज का बिस्तरा उसका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं है, उसको भी नींद आती होगी, वो भी उठता होगा, और वो दुनिया का महंगा तरीन खाना खाता होगा, और मैं शायद दाल चना सादी रोटी, सुबह उसमें से भी गलाजत निकलेगी और मुझमें से भी। ये जो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग है कि जब खुदा कहता है आई हैव क्रिएटेड ऑल मेन इक्वल, तो अल्लाह, और फिर अगर आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं सोसाइटी में ये मेरे से बड़ा है, ये छोटा है, इसका रुतबा बड़ा है, इसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा या कम है, तो आप एक हिजान का, एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उलझन का। ये जो उलझाव है ये इसलिए पैदा होता है कि जब खुदा ने कहा आई हैव क्रिएटेड मेन इक्वल, ही मेंट कि हम, मैंने तुम सबको मेरे नजदीक, मैंने तुम सबको करेंसी ऑफ टाइम इक्वल बांट के भेजा है। आपके पास भी फर्ज करें 9 to 5 की करेंसी है, मेरे पास भी 9 to 5 की करेंसी। उस 9 to 5 को आप इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल स्पेंड करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपका बैलेंस कम हो जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड आएगा। सो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं टाइम को, सक्सेस उनके लिए रखा जाता है। वेरी वेल। किसी का फ्लूक लग जाए, तुक्का लग जाए, कोई दो नंबरी से कर ले, जिसकी लातादाद मिसालें। सो आई थिंक दिस इज हाउ आई लुक एट सक्सेस, इट्स समथिंग दैट वी शुड स्ट्राइव फॉर, बट ऑल्सो समथिंग जिससे हमें डरना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स जो है अक्सर इंसानों को किसी न किसी स्टेज पे जा लेते हैं। जी।